गुरु के बिना एक शिष्य के जीवन का कोई अर्थ नहीं है। रामायण से लेकर महाभारत तक गुरु का स्थान सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोच्च रहा है। गुरु की महत्ता को देखते हुए ही महान संत कबीरदास जी ने लिखा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। यानी एक गुरु का स्थान भगवान से भी कई गुना ज्यादा बड़ा होता है। गुरु पूर्णिमा का पर्व महर्षि वेदव्यास के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। वेदव्यास जो ऋषि पराशर के पुत्र थे, शास्त्रों के अनुसार महर्षि व्यास को तीनों कालों का ज्ञाता माना जाता था। महर्षि वेदव्यास के नाम के पीछे भी एक कहानी है। माना जाता है कि महर्षि व्यास ने वेदों को अलग अलग खंडों में बांटकर उनका नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और यथर्वेद रखा था। वेदों का इस प्रकार विभाजन करने के कारण ही वेदव्यास के नाम से वो प्रसिद्ध हुए थे। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुओं का पूजन किया जाता है। गुरु की हमारे जीवन में महत्व को समझाने के लिए गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा पर लोग अपने गुरुओं को उपहार देते हैं और उनका आशीर्वाद भी लेते हैं। जिन लोगों के गुरु अब इस दुनिया में नहीं है, वो लोग भी गुरुओं की चरण पादुका का पूजन करते हैं। माना जाता है कि इस दिन गुरुओं का आशीर्वाद लेने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में गुरु को परम पूजनीय माना जाता है। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है। उन सदगुरु को सबको प्रणाम। विनय का फल सेवा है, गुरु सेवा का फल ज्ञान है, ज्ञान का फल स्थायित्व है और विरक्ति का फल आश्रम निरोध, बंधन मुक्ति तथा मोक्ष है। उस महान गुरु को अभिवादन जिसने उस अवस्था का साक्षात्कार करना संभव किया जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, सभी जीवित और मृत में है। धर्म को जानने वाले, धर्म मुताबिक आचरण करने वाले, धर्म परायण और सब शास्त्रों में से तत्वों का आदेश करने वाले गुरु कहते। गुरु के पास हमेशा उनसे छोटे आसन पर ही बैठना चाहिए। गुरु के आते हुए दिखाई देने पर भी अपनी मनमानी से नहीं बैठे रहना चाहिए, अर्थात गुरु का आदर करना चाहिए। बहुत कहने से क्या, करोड़ों शास्त्रों से भी क्या, चित्त की परम शांति गुरु के बिना मिलना दुर्लभ है। गुरु के द्वारा जो प्राप्त नहीं होता वह अन्यत्र भी नहीं मिलता। गुरु कृपा से मनुष्य सभी कुछ प्राप्त कर लेता है। ज्ञानवान, निपुणता, विनम्रता, पुण्यात्मा, मनन, चिंतन, हमेशा सचेत और प्रसन्न रहना, ये सात शिक्षक के गुण हैं। जो दूसरों को प्रमाद करने से रोकते हैं, स्वयं निष्पाप रास्ते से चलते हैं, हित और कल्याण की कामना रखने वाले को तत्वबोध कहते हैं, उन्हें गुरु कहते हैं। शरीर, वाणी, बुद्धि, इंद्रिय और मन को स्वयं में रखकर हाथ जोड़कर गुरु के सामने देखना चाहिए। जैसे दूध के बिना गाय, फूल के बिना लता, चरित्र के बिना पत्नी, कमल के बिना जल, शांति के बिना विद्या और लोगों के बिना नगर शोभा नहीं देते, वैसे ही गुरु बिना शिष्य शोभा नहीं देता। प्रेरणा देने वाला, सूचन देने वाला, सच बताने वाला, रास्ता दिखाने वाला, शिक्षा देने वाला और बोध कराने वाला, ये सब गुरु समान है। कुब यानी कि अंधकार और रूपा यानी तेज, जो अंधकार का निरोध, ज्ञान का प्रकाश देखकर अंधकार को रोकता है, वही वास्तव में गुरु कहलाता है। गुरु सब प्राणियों के प्रति वितराग और मत्सर से रहित होते हैं। वे जितेंद्रिय, पवित्र, दक्ष और सदाचारी होते हैं। जिसने ज्ञान जन्य रूप सलाकार से, ज्ञान रूप अंधकार से अंध हुए लोगों की आंखें खोली, उन गुरु को नमस्कार। जहां गुरु की निंदा होती है वहां उसका विरोध करना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो कांध बंद करके देखना चाहिए और यदि यह भी संभव न हो तो वहां से उठकर दूसरे स्थान पर चले जाना चाहिए। गुरु शिष्य को जो एकाद अक्षर भी कहे तो उसे बदले में पृथ्वी का ऐसा कोई धन नहीं जो देकर गुरु के ऋण से मुक्त हो सके।
जगत में अनेक गुरु शिष्य का वित्त हरण करने वाले होते हैं, परंतु शिष्य का चित्त हरण करने वाले गुरु शायद ही दिखाई देते हैं। जो इंसान गुरु मिलने के बावजूद भी अज्ञानी रहे, वह मूर्ख पानी से भरे हुए सरोवर के पास होते हुए भी प्यासा, घर में अनाज होते हुए भी भूखा और कल्प वृक्ष के पास रहते हुए भी दरिद्र रहे। अभिलाषा रखने वाले, सब लोग करने वाले, संग्रह करने वाले, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले योगियों में श्रेष्ठ श्रुतियों को समझा हुआ, सागर में समरस हुआ, शांति क्षमा दमन ऐसे गुणों वाला, धर्म में एकनिष्ठ, अपने संसर्ग में शिष्यों के चित्त को शुद्ध करने वाले ऐसे सद्गुरु बिना स्वार्थ अन्य को तारते हैं और स्वयं ही कर जाते हैं। योगियों में श्रेष्ठ श्रुतियों को समझा हुआ, सागर में समरस हुआ, शांति क्षमा दमन ऐसे गुणों वाला, धर्म में एकनिष्ठ, अपने संसर्ग से शिष्यों के चित्त को शुद्ध करने वाले ऐसे सद्गुरु बिना स्वार्थ अन्य को ताते हैं और स्वयं भी तर जाते हैं। तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल में ज्ञान देने वाले गुरु के लिए कोई उपमा नहीं दिखाई देती। गुरु को पारसमणि के जैसा मानते हैं तो वह ठीक नहीं है, कारण पारसमणि केवल लोहे को सोना बनाता है पर स्वयं जैसा नहीं बनता। सदगुरु तो अपने चरणों का आश्रय लेने वाले शिष्य को अपने जैसा बना देता है, इसीलिए गुरुदेव के लिए कोई उपमा नहीं है, गुरु तो अलौकिक है।